हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग टीएच ग्रीन थ्योरी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी ऑफ स्टेट सेकंड यूनिट हम लोग का चल रहा है और टीएच ग्रीन थ्योरी ऑफ स्टेट पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। टीएच ग्रीन का ये कोट किया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 का एक क्वेश्चन था। और इसमें बेसिकली थ्योरी ऑफ स्टेट के जैसे अलग अलग हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़े थे, तो इसमें टीएच ग्रीन बेसिकली पॉजिटिव लिबरलिस्ट थे। पॉजिटिव लिबरलिस्ट क्या होता है कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ अपनी फ्री विल से एक्ट करते हो, आपके एक्शंस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता, तो उसको फ्री विल कहते हैं हम। तो फ्री विल से काम करते थे, कोई भी ऐसे फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अगर आप टीएच ग्रीन और मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा अगर हम इसमें डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, तो टीएच ग्रीन क्या कहते हैं कि स्टेट जो है वो वेलफेयर के बारे में सोचती है और उसमें हमारी फ्री विल रहती है और स्टेट जो है वो फोर्स से कोई काम नहीं कराती है, लोगों की ही जनरल विल होती है लोगों की, जिस वजह से हम लोग काम करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मार्क्स ये कहते थे कि स्टेट जो है कोअर्जन फॉलो कर रही है और ये सब चीज़ें चलती थी। तो अगर आपको डिफरेंस भी आए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि टीएच ग्रीन और मार्क्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मार्क्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग थिंकर से उनका डिफ्रेंशिएट करते हुए। तो कंटेंट पर अपने वापस आते हैं। टीएच ग्रीन जो है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म के एक थिंकर हैं और उनकी जो आइडियलिस्ट थ्योरी है वो अलग अलग थिंकर से इंस्पायर्ड है। अलग अलग थिंकर्स को मिला करके उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है, जैसे कि रूसो, कांट, हेगल, इन सब की थ्योरी से इंस्पायर्ड है। टीएच ग्रीन जो है उनको फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। तो दो तरीके की जैसे लिबर्टी होती है, पॉजिटिव लिबर्टी होती है, एक आपकी पॉजिटिव लिबर्टी होती है, एक आपकी नेगेटिव लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी में बेसिकली कोअर्जन का यूज़ हो सकता है, आपका फोर्स का यूज़ होता है, आपकी रिस्ट्रेंट्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पॉजिटिव लिबर्टी में ऑन दी अदर हैंड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होती, फुल फ्रीडम दी जाती है, लोग अपनी विल से फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली टीएच ग्रीन ये मानते थे कि उनको फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता था, जिसकी वजह से वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट कही गई थी, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, वो टीएच ग्रीन की एक थ्योरी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यहाँ से ये ली गई है, जिसमें टीएच ग्रीन ये सजेस्ट करते हैं इस स्टेटमेंट में कि जो स्टेट का कॉन्टिन्यूशन हुआ उसका रीज़न क्या था। स्टेट जो है वो कॉन्टिन्यू क्यों हो रही थी, क्यों लोगों ने ही चूज़ किया कि हाँ हमारे ऊपर एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए। तो बहुत सारे सालों से इवन आज भी क्या होता है कि स्टेट की जो लेजिटिमेसी है या स्टेट की जो अथॉरिटी है, जो मोनोपोली है, वो ऊपर क्यों रखी जाती है और फोर्स का यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये जो है वो डिबेट हमेशा से चलता आ रहा है पॉलिटिकल फिलोसोफर्स में, जो हमारे सोशल थिंकर्स हैं उन। तो टीएच ग्रीन बेसिकली ये सजेस्ट करते हैं कि जो रीज़न है, क्या इसका रीज़न है कि स्टेट ही कंटिन्यू हो रहा है, वो रीज़न ये है कि लोग जो है अपनी विल से स्टेट को कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमारी फ्री विल रहे और स्टेट इसी तरीके से चलती रहे और स्टेट जो है वो कोई भी फोर्स की वजह से स्टेट ना चले, कोई भी फोर्स जो है स्टेट में इन्वॉल्व ना हो। तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो इसीलिए कंटिन्यू कर रही है क्योंकि कोई रेवोल्यूशन भी नहीं निकल करके आया था, कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है स्टेट के अगेंस्ट भी, और लोग भी स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स नहीं मानते हैं। इस वजह से लोग ये चाह रहे हैं कि स्टेट जो है वो कंटिन्यू रहे एज लॉन्ग एज फोर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो टीएच ग्रीन ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट जो है वो अपनी लेजिटिमेसी कहाँ से ड्रॉ करती है। अगर हम भी किसी चीज़ को मानते हैं कि ये लेजिटिमेट है, ये जायज़ है कोई भी चीज़, तो वो क्यों मानते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आपको आ रहा होगा, कुछ आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ भी आपका फ़ायदा वो कर ही रहा होगा या आपको किसी की हेल्प हो रही होगी, इसलिए आप उसको लेजिटिमेट मानते हो। तो टीएच ग्रीन ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो अपनी लेजिटिमेसी कहाँ से ड्रॉ करती है। जो भी बेनिफिशियल फंक्शन जो है स्टेट अपने लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं, वहीं से स्टेट की लेजिटिमेसी आती है। इसी वजह से स्टेट जो है वो लिबर्टी को, राइट्स को, वो इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करती है, और ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है लोगों को, और ज़्यादा राइट्स जो हैं लोगों को इंश्योर किए जाते हैं। किस तरीके से इंश्योर किए जाते हैं कि वेलफेयर फंक्शंस जब स्टेट परफॉर्म करती है उसके थ्रू। तो टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो हिंड्रेंसेस में ही एक हिंडर बनती है, ठीक है। तो जितने भी आपकी रुकावटें आती हैं उनमें ही एक रुकावट बन जाती है स्टेट। तो इसी की वजह से स्टेट जो है वो ऐसे यूज़फुल फंक्शंस परफॉर्म करती है और उसको कंटिन्यू करती है। स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है किस हिसाब से एग्जिस्ट करती है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि सिटीजन्स जो अपने स्टेट पर एक कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि वो अपनी सारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो होती हैं, जो अपने राइट्स हैं, वो स्टेट को सरेंडर करते हैं। लोग अपनी फ्री विल से सरेंडर करते हैं, किसी के कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी के दबाव में आकर नहीं करते, कोवर्जन की वजह से या फिर फोर्स की वजह से नहीं करते हैं। इसी वजह से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर हम कहते हैं कि जनरल विल जो है सोसाइटी की वो इन्वॉल्व है, इसी वजह से स्टेट जो है वो कंटिन्यू कर रही है। और ये बहुत ही इमोरल और अनजस्टिफाइड माना जाएगा कि अगर हम फोर्स को ये मानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, जिसकी वजह से स्टेट जो है अपना बेसिस बनाती है फोर्स को। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट दी गई है, विल नॉट फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है। टी.एच. ग्रीन ने कहा है ये, और इस स्टेटमेंट के थ्रू टी.एच. ग्रीन डायरेक्टली मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट क्या कंसिडर करता है कि स्टेट जो है एक मेजर ऑफ कोअर्जन है और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स है। तो ये डायरेक्टली टी.एच. ग्रीन और मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट, इन दोनों की ही थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली क्लैश करती हैं। इसी वजह से एक प्रॉबेबल क्वेश्चन इसमें से बनता है जब टी.एच. ग्रीन और मार्क्स को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, आगे हम लोग मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट भी पढ़ेंगे, तो उससे आपको मैटर आपको उसका भी मिल जाएगा, मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट, और यहाँ से आप टी.एच. ग्रीन नोशन ऑफ स्टेट उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एक टॉपिक, टी.एच. ग्रीन थ्योरी ऑफ स्टेट। बस ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यही इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है आपको। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, synopsisIAS.in। So that's all for today, and thank you for watching the lecture.